वेलकम टू शेक्स किचन गार्डन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे खट्टी मीठी कुमड़ा की सब्जी। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कुमड़ा लिया है, हमने 1 किलो कुमड़ा लिया है, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे हमने लिया है धनिया 1 कटली, थोड़ा दही, ठीक है, थोड़ा दही लिया हमने, 2 चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच हमने 5 फ्रोंग लिया है, 3 टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं, 1 बड़ा सा प्याज हमने चॉप कर लिया है, 1 कड़ी पत्ता का स्टिक ले लिया हमने, थोड़ा गुड़ ले लेंगे हम, 1/2 कटोरी चना दाल ले लिए हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी गरम मसाले हो आप ले सकते हैं, थोड़ा तेज पत्ता, लाल मिर्च, हींग ले रहे हैं हम। यहाँ पे मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आपको कुकिंग ऑयल लगेगा, और हम यहाँ पे आलू ले रहे हैं। आपको आलू नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट हम आलू लेते हैं, टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करता है वो, ठीक है, हमको थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कुमड़ा कुमड़ा बहुत कुमड़ा कुमड़ा हो जाता है, हमें थोड़ा थोड़ा आलू भी साथ में अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ा हम आलू ले रहे हैं। इनको काट लेंगे हम हमारे कुमड़ा को, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो कुमड़ा का ऊपर का लेयर है उसको हम काट के फेंक देंगे और इस तरीके से हम इनको टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे तेल डाल लिया था हमारी कढ़ाई में, तेल गरम कर लिया है, हमारे जो खड़े मसाले और 5 फड़ोंग हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने हींग ले ली है थोड़ी सी, इसको पहले हम थोड़ा सा पॉप होने दे रहे हैं। ये लीजिए हमने हमारी हींग डाल दी, थोड़ी सी हमने एकदम थोड़ी सी हींग ली थी, आपको जितना हींग का स्वाद पसंद हो उतना लीजिए, और हमारा चना दाल हम इसमें डाल दिया। अब इसमें हम तेल में थोड़ा सा इसको पकाएंगे और प्याज भी डाल देंगे साथ में, और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। हमारा कड़ी पत्ता साइड में रह गया था, हम डालना भूल गए थे, तो हम यहाँ तेल थोड़ा बीच में कर लिए हैं और हमारे कड़ी पत्ता को हम ऐसे तोड़ के तेल में डाल देंगे। ये थोड़ा सा पॉप होता है तेल में डालने से, आप जानते ही होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको तेल में पॉप कर लेंगे हम, हमने तेल बीच में कर लिया था इसको डालने के लिए। अब मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट लगता है, इससे क्या होता है हमारे तेल में पूरा हमारा कड़ी पत्ता का फ्लेवर चले जाता है, बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ये देखिए हमने इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लिया इसमें। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, हमारे मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, पानी ऐड करते हैं हम अब इसमें, अब इसके इस मसाले को हम टमाटर को थोड़ा सा गलने देंगे और इस मसाले को भी हम कुक होने देंगे थोड़ा अच्छे से। ये देखिए अब हम इसको पका रहे थे, बीच बीच में हम मिला रहे थे, वरना नीचे से जल जाएगा ये, हाँ थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेंगे, मैश हो जाएगा थोड़ा हमारा, ऐसे तो हो ही गया है। देखिए ये हम पका लिए थे, अब यहाँ पे हमने 2 मसाले लिए हैं, 1 चम्मच धनिया जीरा भुना पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, हम ये डाल के इस मसाले को भूनेंगे, 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। ये देखिए अब हमारा 2 मिनट हमने इसको भून लिया है, अब इसमें हम हमारे आलू ऐड कर देंगे। आलू हम पहले ऐड कर रहे हैं क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए हम डाल दे रहे हैं आलू को। और ये चीज़ ध्यान रखें कि दही आप पहले से ना डालें, हमने
दही को यहाँ पे अलग करके रखा है। हम जब दही को पहले डाल देते हैं तो क्या होता है कि अच्छे से गलता नहीं है हमारा सब्जी, इसीलिए हम बाद में एंड में डालते हैं। चिकन बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, कुछ भी बनाए बाद में डालते हैं। अब 5 मिनट सेम आंच पे हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया था। अब हमारे जो कुमड़ा है उसको हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया था और उसको इसमें ऐड कर देंगे। गुड़ को डालेंगे। अब देखिए इसमें गुड़ को हम ऐड कर देंगे। आपको इसमें और मीठा चाहिए तो आप और गुड़ डाल दीजिए, शक्कर भी डाल सकते हैं आप आगे चख के। और हमने गुड़ को थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डाला था, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, तोड़ तोड़ के, फिर वो अच्छे से जल्दी जल्दी गल जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। हम सीम आंच कर दिए हैं हमारे गैस को। ऑलराइट, अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए सीम आंच पे ढक के पकाएंगे। देखिए इसको अब हमने करीब टोटल 15 मिनट के लिए पकाया है। अब हमारा जो दही है गैस को सीम करके हम इसमें ऐड करेंगे। दूध दही के प्रोडक्ट्स आप जब भी ऐसे डालें तो थोड़ा सीम आंच पे करके डालें, वरना वो फट जाता है हमारा। ठीक है, डालेंगे। देखिए अब 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। इसका थोड़ा पानी कम कर लेंगे, तेज आंच पे पका रहे हैं हम इसको। देखिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अभी हमने इसमें 1 चम्मच ऊपर से घी डाला है। घी डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा सा आता है। कुछ भी सब्जी ऐसे बनाए, थोड़ा 1 चम्मच ऊपर से घी डाल देने से उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हमारा धनिया हम चॉप करके डाल दे रहे हैं। हम एंड में इसीलिए चॉप करके डालते हैं क्योंकि ये जो है धनिया का जो फ्लेवर है पहले से काट के रखने से वो फ्लेवर उड़ जाता है। देखिए एकदम हल्के हाथ से, बिकॉज ये एकदम गल गया है अब। ठीक है, हमारा एक बार मिला लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब हम हो गया हमारा। देखिए तैयार है हमारी कुमड़ा की सब्जी और बहुत ही बेहतरीन बनती है ये। इसकी खुशबू सूंघ के अभी से मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, मैटर नहीं करता, ये डिश इतनी अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप वेजिटेरियन हैं तो ये तो आप सोना है, ठीक है आपके लिए, तो ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही अच्छी डिश है। अब हम इसको नाश्ते में, डिनर में, लंच में, सब में खा लेते हैं। अब इसको रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, और आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, पूरी, दाल चावल, रोटी, नान, जो चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिश है।
बहुत ही हटके डिश है, शायद ही आपने ट्राई करी होगी, और मेरी मम्मी बनाती है इस तरीके से, तो हमने आपको बना के दिखा दिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।